तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने कंप्लीट पॉलिटी का कोर्स जो है वो एक लॉन्च किया था 99 रुपीज में मात्र, और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए कोर्स था। कुछ ही घंटों में कोर्स फुल हो गया और अब काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर हमने 250 सीट्स और बढ़ा दी हैं। मात्र 99 रुपीज में कंप्लीट पॉलिटी का कोर्स, जिसमें 50 से ज्यादा घंटों की जो है वो क्लासेस आपको मिलेंगी, प्लस इसके अलावा उसमें आपको प्रॉपर नोट्स इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे, प्रॉपर कोर्स की अंडरस्टैंडिंग होगी और इस कोर्स से बाहर का और कुछ नहीं आएगा। एक और चीज मैंने आप लोग के लिए कर दी है कि अब पॉलिटी जैसे ही फिनिश करो उसके जस्ट बाद जो है वो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, ये पूरे टॉपिक को जो है वो आपको जो है वो कवर अप करना है, आधुनिक भारत के इतिहास के टॉपिक को, और 70 से भी ज्यादा घंटों की जो है वो क्लासेस विद नोट्स और ऐसी अंडरस्टैंडिंग की आपको मजा आ जाएगा। और फीस कितनी? मात्र 150 रुपए, 150 रुपीज। पिछली बार कुछ घंटों में ही जो है वो कोर्स खत्म हो गए थे, इस बार ऑफर निकलने से पहले आप एनरोल करके जो है अपनी तैयारी शुरू कर दो। तो ये दोनों कोर्सेज जो है वो बहुत कम फीस में जो है वो अभी अवेलेबल है और सिर्फ 250 स्टूडेंट्स के लिए फिर से ये ओपन किया गया। तो फटाफट इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके कोर्स को जो है वो ज्वाइन कर लो। जय हिंद। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 142 फोर्टिफाइड सीड की वैरायटीज जो है वो सामने रखी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये फोर्टिफाइड सीड्स होते क्या है या बायो फोर्टिफाइड। देखो, फोर्टिफिकेशन एक शब्द है। इसमें क्या किया जाता है कि सीड्स में जो है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, क्रॉप्स के अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं। जैसे चावल में विटामिन सी ऐड कर दिया कि जब एक व्यक्ति जो है वो खाए एक प्रोडक्ट को, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक नहीं होना चाहिए, विटामिन्स का भी इंटेक होना चाहिए। मतलब कि जो बीज है उसमें अलग से जो है वो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देना, उसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। बात समझ में आई? क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बायोफोर्टिफिकेशन जो है वो क्या है, तो सीड्स में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड करना। जो देखो, कुछ तो है उसमें भाई, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो तो है, बट उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देना। क्योंकि देखो, हमारे देश की जनता जो है आज भी ऐसा है, काफी सारे लोग जिनको दो टाइम खाना नहीं मिल पा रहा, और अगर आपको मिल पा रहा है तो मेहनत करो। उन लोग जब मेहनत करके एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं या बड़े व्यक्ति बन जाते हैं, या अपने फैमिली में देखो किसी ना किसी को, किसी ने परिश्रम करके, आपके फादर, आपकी मदर, वो परिश्रम कर रहे हैं इसलिए आप यहां तक पहुंचे हो, उनको देखना जरूरी है। उनको देखिए, उनको देखोगे ना तभी एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार मेरे पेरेंट्स ने जब इतना करके मुझे यहां तक लेकर आ गए, फिर भी लोग कंप्लेन पता नहीं क्यों करते हैं, ओ पापा ने गाड़ी नहीं दिलाई यार, पता नहीं ये क्या है। कंप्लेन किस चीज की भाई? कंप्लेन नहीं करना है, यू डोंट हैव टू कंप्लेन। जितना मिला है उतना बहुत बढ़िया है, और फोड़ो यार गेम। अब आपके हाथ में गेम, अब करना आपको है। अभी भी लगे हो कि पेरेंट्स करके दें सब कुछ, तो नहीं बन पाएगा भाई काम। ICAR 142 बायो फोर्टिफाइड सीड वैरायटीज। तो देखो, अभी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इन्होंने 2014 से लेकर अभी तक 142 बायो फोर्टिफाइड सीड की वैरायटी डेवलप करी, जिसमें 124 जो है वो फील्ड क्रॉप्स थे, 18 जो है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हम लोग को देखने को मिले थे, जैसे राइस, वीट, मेस, पीएल, मिलेट्स और स्वीट पोटैटो, तो ऐसे हम लोग को देखने को मिलते थे, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, शकरकंद, तो ये सब। मेन ऑब्जेक्टिव जो है बायो फोर्टिफाइड सीड की वैरायटी का डेवलप करने का क्या है, तो अब आपके पास ही इसका आंसर है कि न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराने क्रॉप के अंदर बिना मिट्टी और पानी को अफेक्ट किए, ये वैरायटी डेवलप करी है ICAR ने, और इक्वल या बेटर यील्ड्स की हमें इसकी, यानी कि जो आप देखेंगे ना, खपत बोलते हैं ना, क्या बोलते, पैदावार, यील्ड और भी अच्छी हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू नॉर्मल वैरायटी, ठीक है। और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पैसा जो है वो कल्टीवेशन में नहीं लगेगा, यानी कि किसान को जो है वो अलग से जो है वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, तो ये चीज है। तो लोगों को टाइम पे खाना नहीं मिल पा रहा आज की रेट में, लोग कुपोषित होते आ रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर माल न्यूट्रिशन वाले लोग हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए बेसिकली ये
स्कीम्स पर हम फोकस करेंगे। मिड डे मील स्कीम में अगर बच्चों को एक टाइम खाना मिल जाए, कुक्ड मील मिल रहा है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए। वैसे तो है मिड डे मील में एक क्लॉज बच्चों के लिए तो है, बट जो राशन शॉप्स के अंदर जो चावल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 45 चावल डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उस पर ICAR काम कर रही है, बायो फोर्टिफिकेशन पर, राइट। ये चीज ध्यान में रखो। मैं हर आप बोलते हो कि अरे यार सर आप किसी भी टॉपिक के अंदर जब थोड़ा ज्ञान देने लगते हो, हाँ मैं देता हूं क्योंकि आपके लिए जरूरी है। करंट अफेयर्स की क्लास क्या है? करंट अफेयर्स की क्लास इज योर मोटिवेशन क्लास, मैं ये मानता हूं। इस क्लास के जरिए जब आप पढ़ो आप सीखो, क्योंकि नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। और उसके साथ साथ, और ऐसा भी नहीं है कि हर एक टॉपिक के अंदर मैं कहीं से भी कुछ भी उठा के मोटिवेशन डालता हूं, टॉपिक से रिलेटेड ही डालता हूं। अभी कुपोषण का टॉपिक आया तो मैंने आपको समझाया कि भैया देखो लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, आपके पास अगर वो व्यवस्था है तो लगकर मेहनत करो ना यार। जिनको खाना नहीं मिल पाता, जिसको भूख होती है, उसके आप 12th फेल पिक्चर देखो आप, मनोज जी के का देखो, रियल बिल्कुल कहानी है। अगर नहीं लगता कि रियल नहीं है तो देख लो लल्लन टॉप, उसमें इंटरव्यू है उनका पूरा, समझ में आ जाएगा। तो बायो फोर्टिफाइड सीड, अब ध्यान सुनना, अब आपको पढ़ना ही डेफिनेशन। बायो फोर्टिफाइड सीड दे आर ब्रेड वेराइटीज दैट एम टू एनहेंस न्यूट्रिशनल कंटेंट विदाउट एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल एंड वॉटर इकोलॉजी। कितनी बढ़िया डेफिनेशन है। बायो फोर्टिफाइड बीज ऐसी नस्ल है जिनका उद्देश्य मिट्टी या जल परिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पोषण सामग्री को बढ़ाना, एनहेंस करना न्यूट्रिशनल कंटेंट को। और ये क्या सिग्निफाई करता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है उसको हम ठीक कर सकें, मतलब जो कुपोषण की प्रॉब्लम जो है या पोषण संबंधी कमियां जो हम लोग को देखने को मिल रही है उसको दूर किया जा सके और अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो आपको ऐसे रिलेट करना है इस टॉपिक को, ठीक है। और बायो फोर्टिफाइड सीड जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, न्यूट्रिशनल कंटेंट एनहेंस हो जाएगा बिना कोई एडिशनल कॉस्ट के, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। बताइए मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है बायो फोर्टिफाइड सीड वैरायटी को डेवलप करने का, फटाक से बताएं। स्टूडेंट्स, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, IAS, IPS, SDM, DSP या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी हम क्या क्लेम करते हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि 80% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमारी पढ़ाई गई क्लासेस और नोट्स से नहीं आए तो पूरी फीस वापस। और फीस को लेकर चिंता मत करना, आगे तक देखते जाओ, मजा आने वाला है। अब दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसा कैसा क्लेम कर रहे हैं कि 80% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इनकी पढ़ाई गई क्लासेस से आता है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से पूरी चीज कवर कराते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्रिलिम्स, मेंस, इंटरव्यू लेवल की कंप्लीट प्रिपरेशन, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जो हम जनरल स्टडीज का कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे वो पूरा का पूरा जो है वो आपके लिए सफिशियंट होने वाला है, प्रिलिम्स मेंस सबके लिए। इसके अलावा क्लासेस हम लोग कहां पर कंडक्ट करवाते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन पर, हमारी एप्लीकेशन है ये, इसका नाम लिखा हुआ है झांसर अकेडमी फॉर IAS, जो आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जो है वो मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप कोर्स ले सकते हैं। बात करते हैं कोर्स की फीस क्या है। तो कोर्स की फीस में बताने से पहले आपको बताता हूँ क्या क्या मिलेगा आपको कोर्स में। 500 से भी ज्यादा घंटों की लाइव क्लासेस, 280 से भी ज्यादा घंटों की करंट अफेयर्स की फ्री क्लास, फ्री करंट अफेयर्स की क्लास। यानी कि अगर आप कोर्स नहीं भी ले रहे हैं तो रोज आपको करंट अफेयर्स की फ्री क्लास जो है वो लाइव हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग, प्लस उसकी PDF भी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस अवेलेबल हैं। प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे क्लास में। और इतना बड़ा जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि 80% एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हमारी प्रोवाइड की गई क्लासेस और नोट्स से आएंगे, उसके हर सैटरडे को प्रूफ देते हैं। जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो मेंस का हो या प्रिलिम्स का हो, हर सैटरडे वाले दिन उसका प्रूफ आपको दिखाया जाता है, जिससे कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो मात्र 7500 रुपए में पूरी एक साल की तैयारी। अब और सिर्फ फीस 7500 रुपए में अगर आप आज बुक करते हैं तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरी किताबें हैं A to Z। तो ये आपके घर पर जो है वो डिलीवर करवाई जाएगी। इंग्लिश मीडियम की अलग किताबें, हिंदी मीडियम की अलग किताबें, अगर आज अभी के अभी बुक करते हो तो ये फ्री गिफ्ट हमारी तरफ से जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इतना सब कुछ आपको कितने में मिलेगा? मात्र 7500 रुपए में, इंक्लूडिंग बुक्स।
जो आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, इंग्लिश मीडियम की अलग, हिंदी मीडियम की अलग, जो आपके, तो देरी मत करो, नीचे जो आपको बटन दिखाई दे रहा है लर्न मोर का या बाय नाउ का, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट कोर्स पे जाओ और कोर्स परचेज करो। जब आप कोर्स परचेज करोगे उसके बाद आपकी 1-to-1 लाइफ काउंसलिंग होगी, और जिस काउंसलिंग में आपकी पूरी स्ट्रेटजी बनवाई जाएगी कि कैसे इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो इजिली। सो देरी मत करो, तुरंत के तुरंत आज ही अपना एग्जामिनेशन क्रैक करने का सपना जो है वो साकार करो। जय हिंद।